खिचड़ी मेले को लेकर गोरखनाथ मंदिर सहित नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सभी संबंधित विभाग मेले अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लग गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व खिचड़ी 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। यह जानकारी गोरक्षपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने दी। श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ गोरखपुर में मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व को लेकर एक बैठक हुई, जिसके संबंध में आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने बताया कि यह पर्व संवत 2079 शक 1944 माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में 3:02 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा। अतः 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को पूरे दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पर्व के अवसर पर ऊनी वस्त्र, तेल, घी, तिल, गुड़ इत्यादि द्रव्यों का दान करना श्रेयस्कर होता है। इस मकर संक्रांति में मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ राशि वाले जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के मुख्य मठ पुरोहित वेदाचार्य रामानुज त्रिपाठी ने बताया कि खिचड़ी मेले में सिर्फ यूपी बिहार से ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। यह परंपरा 14 जनवरी से शुरू होकर पूरा एक महीने तक चलता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्षपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा, खिचड़ी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति खिचड़ी 15 को मनाया जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। और हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी पूर्णतया अच्छी तरह से मनाया जाएगा। और कुछ आगे पूछना हो तो बताइए। कितने बजे मुहूर्त होगा? मुहूर्त तो भोर में ही लग जाता है, तो भोर से ही खिचड़ी चढ़नी शुरू हो जाती है। क्या महत्व होता है खिचड़ी का? इस खिचड़ी का संक्रांति का बहुत महत्व है और यह खिचड़ी परंपरागत अनुसार और पंचांग के अनुसार जब धनुराशि से मकर राशि में भगवान भुवन भास्कर प्रवेश करते हैं उसी समय खिचड़ी मनाया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी खिचड़ी मनाया जाएगा और यह संक्रांति मनाने की परंपरा है। तभी से ये जब संक्रांति में सब लोग गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, उसी दिन से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह शादी जो भी जनेऊ इत्यादि है का कार्यक्रम शुरू होता है, इसलिए यह और भी महत्वकारी हो जाता है क्योंकि कोई कार्य बिना संक्रांति के पहले शुरू नहीं होता है। क्या तो क्या जाते हैं? मकर संक्रांति में काला तिल, चावल, गुड़, ऊनी वस्त्र ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, भगवान जो है गोरखनाथ जी को चढ़ाया जाता है। गोरखनाथ जी की खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा बहुत दिनों से है, अनादि काल से है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के जो है गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी की परंपरा से एक खिचड़ी चढ़ने का विधान है और तब से खिचड़ी चढ़ता है। गोरखनाथ जी खिचड़ी मांगते हुए यहाँ आए, उनका एक खप्पर था, जो खप्पर नहीं भर रहा था,
आते आते खप्पर यहाँ जब गुरु गोरक्षनाथ जी ने उसमें खप्पर में खिचड़ी डाली तो पात्र भर गया, अच्छा पात्र था, और तब से जो खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा यहाँ है।